हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश किचन। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की फेमस डिश फरा की रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप चावल आटा, आधा कप पका हुआ चावल, ये आप रात में बचा हुआ जो रहता है हमारा राइस वो भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल, 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया हुआ है, नमक स्वाद अनुसार। फरा बनाने के बाद उसमें तड़का लगाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हम यूज करेंगे वो मैं बताती हूँ। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच सफेद तिल, करी पत्ता, 4 से 5 बीज से कटी हुई हरी मिर्च, 2 खड़ी लाल मिर्च। फरा को हम टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो ये हैं। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को कट करके रखा हुआ है, 3 कटी हुई हरी मिर्च, 5 लहसुन की कली को कट कर लिए हैं, धनिया, नमक स्वाद अनुसार। चलिए हम फरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फरा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे हमारे पके हुए चावल, इसको हमको हाथ से मैश कर लेना है। ये हमने चावल को मैश कर लिया है, इसमें हम चावल आटा डालेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ऑयल डाल देंगे इसमें 1 चम्मच, इन सब को मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम जो हमारा गर्म पानी था वो थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंथ लेंगे। इसका हमको टाइट आटा गूंथना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका आटा गूंथेंगे। सारा पानी एक साथ मत डाल दीजिएगा वरना आपका आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा पानी और डालेंगे। गरम पानी डालने से हमारा फरा सॉफ्ट बनता है। ये हम ऐसे आटा गूंथ लेंगे। ये हमारा आटा गूंथ के रेडी है। मैं फरा को भाप में पका के बनाऊंगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें ऑयल लगा लेंगे हम। फरा बनाने के लिए हम छोटी छोटी लोई काटेंगे, ऐसे हाथ में तेल लगा लेंगे और लोई को हम ऐसे रोल करेंगे हाथ में। ये हमने फरा को रोल कर लिया है, ऐसे ही हम बाकी सारे फरा भी बना लेंगे। ये हमने फरा रोल कर लिया है। पानी हमारा बॉईल हो गया है, इसमें हम स्टैंड रख देंगे और इसमें हम हमारे फरा को भी रख देंगे। इसे हम कवर कर देंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे। इसे हम चाहे तो उबलते हुए पानी में डाल के भी पका सकते हैं। जब तक हमारा फरा पक रहा है तब तक हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया हुआ है, इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसमें हम ग्रीन चिली डालेंगे, लहसुन डाल देंगे, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये चटनी हमने पीस लिया है। चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, इसमें हम तड़का लगाएंगे। अब आप चाहे तो चटनी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। टमाटर की चटनी का तड़का रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम सरसों डालेंगे, मीठी नीम, ये फ्राई हो गया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तड़के को अब हम टमाटर की चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये हमारी टमाटर चटनी बनके रेडी है। 20 मिनट हो गए हैं, हम ये ओपन करके देख रहे हैं, हमारा फरा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। ये मैंने सारे फरे को पका लिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फरा को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे, सरसों डालेंगे, सफेद तिल, लाल मिर्च, हरी मिर्च, करी पत्ता,
इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब फ्राई हो गए हैं, इसमें अब हम फरा डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा फरा फ्राई हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मैंने फरा को प्लेट में निकाल लिया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत एंड प्रियंका। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स।